इनकी एथिक्स जो है थोड़ी खराब तो है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि क्या जरूरी है कि हर आदमी मोक्ष के पीछे ही दौड़ता रहे? क्या जरूरी है कि हमारे लक्ष्य परलोक में हो? क्या इसी जीवन को, इसी संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है? ये पूरे भारत का अकेला दर्शन है जो इहलोकवाद की बात करता है कि भैया ये जगत, ये जीवन सुधारना है। कितने लोगों ने ऐसी बात कही, हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, किसी को नहीं पता है। और दिनकर ने कुरुक्षेत्र में गुस्से में ये बात कही है, भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में, धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में जीवन जी। उधर कुछ नहीं है, जो कुछ है यहां है। धर्मराज युधिष्ठिर, इस जगत को वास्तविक समझो, इस जगत के परे की चिंताएं करना भूलो, इस जगत को सुंदर बनाना है। चारवाकों का एहसान है कि उन्होंने बताया कि ये जगत अपने आप में पर्याप्त है, प्रामाणिक है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंतिम सत्य तो किसी को नहीं पता, न इनको पता था, न किसी और को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है।